नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुजरात जोन ने किया दिव्यता संपन्न वर्ष 2022 प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग। विश्व शांति का अनूठा प्रयास। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिवसीय रिट्रीट। सीसीबी रिट्रीट के हुए 10 साल पूरे। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात की सबसे बड़ी खबर से, जहां ब्रह्मकुमारी संस्था के गुजरात जोन ने आध्यात्मिक उन्नति हेतु एक नवीनतापूर्ण दिव्यता संपन्न वर्ष 2022 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, संस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार ऑनलाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है, जहां आने वाले साल 2022 में गुजरात जोन के भाई बहन एक साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने अपने सेवा केंद्रों पर विश्व में अमन चैन एवं आध्यात्मिक उन्नति का माहौल बना सके। इस उद्देश्य को लेकर गुजरात में दिव्यता संपन्न वर्ष 2022 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट द्वारा कई लोग एक साथ एक समय पर जुड़कर शांति के वाइब्रेशन विश्व को देंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गुजरात जोन के अलग अलग सेवा केंद्रों की तस्वीरें हैं, जहां ऑनलाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ गुजरात जोन के निदेशिका बी के भारती, जॉइंट जोनल इंचार्ज बी के दमयंती, महादेव नगर सब जोन इंचार्ज बी के चंद्रिका, महसाना से बी के सरला, अहमदाबाद अंबावाड़ी सब जोन प्रभारी बी के शारदा समेत हजारों की संख्या में संस्था से जुड़े भाई बहनों ने ऑनलाइन एक साथ दीप प्रज्वलित कर किया। ये तस्वीरें अलग अलग सेवा केंद्रों की है, जिसमें वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र, महसाना के कई सेवा केंद्र, महादेव नगर सेवा केंद्र, पाटन सेंटर के साथ अन्य सेवा केंद्रों पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। आपको बता दें, लगभग 500 सेवा केंद्रों पर हजारों लोगों ने आने वाले साल में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की। अब रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिवसीय चूज चेंज एंड बिकम रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसकी थीम रही आई केयर आई हील। ये रिट्रीट ओआरसी और युवा प्रभाग के सहयोग से आयोजित थी, जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर के कई युवा वर्किंग प्रोफेशनल्स भाग लेने पहुंचे। यह मौका चूज चेंज एंड बिकम रिट्रीट के 10 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन का भी था, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में अखिल भारतीय निषेध परिषद के अध्यक्ष रजनीश कुमार, विश्व युवा केंद्र के मुख्य नियंत्रक उदय शंकर शर्मा, भारत में केन्या उच्चायुक्त से शकीला कासम, लंदन के सीनियर राजयोगा टीचर बी के गोपी भी शामिल थी। आई फील सच रिट्रीट्स एक्सपोजर टू द राइट एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन ऑफ माइंड एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कैन बी द राइट टूल्स टू गाइड द एनर्जी ऑफ द यूथ। So, I congratulate Brahma Kumaris for conducting them so well and not just serving the youth off and on, but consistently grooming them to become a successful, responsible and healthy person, including the youth on my country, Kenya. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ORC की निदेशिका बीके आशा ने सभी का ध्यान रिट्रीट के मुख्य उद्देश्य की ओर खिंचवाया और अतिथियों ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई। समय से जो रिट्रीट चल रही है, चूज चेंज एंड बिकम प्रोग्राम चल रहा है, उसका सार यही है कि हम खुद को ही बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं, अपने ऊपर हमारा एकाधिकार है। पॉजिटिव ही चीजें हो सकती है, नेगेटिव ही चीजें हो सकती है, लेकिन ऑलवेज आई हैव टू चूज पॉजिटिव थिंग्स। सो चूज को मैं इस तरह से देखता हूँ, और चेंज, जब तक हम इंटरनल वर्ल्ड को नहीं चेंज करेंगे, तब तक हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हम निमित्त मात्र हो नहीं सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे दिल्ली में इस प्रोग्राम का इतना बड़ा, मैंने क्या कहेंगे, प्रोग्रेस हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जो हमको CCB नाम पुकारते हैं, दिस इज सीड क्रिएशन, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, it's not a program, bhapka dene ka program, this is a quiet seed
डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हरेक की ज्योति जगती है। युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि आप नए भारत का इतिहास लिखिए, जितना हो सके उतना ही लिखिए, वही भारत माँ को बहुत बड़ा आपका दान होगा। ये माँ आपको हमेशा याद रखेगी। बचपन से सीडीएस रावत का ब्रह्म कुमारीज के साथ जो लगाव रहा है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी आत्मिक शांति के लिए हर जगह सेवा केंद्रों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के वीर जवान सामने आए। जनरल रावत को आज हर कोई याद तो कर ही रहा है, लेकिन सेना के जवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि उन्होंने अपने अभिभावक को खो दिया। लश्कर सेवा केंद्र पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीआरपीएफ के जवानों ने भारत देश के वीर सपूत शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं महाराष्ट्र के कामठी में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां आर्मी के ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर अकेडमी के ब्रिगेडियर एचआर देसाई समेत कई सैन्य अधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसे ही जबलपुर के रांझी सेवा केंद्र पर भी भारत के अमर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। एमपी के छतरपुर बिजावर सेवा केंद्र द्वारा पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास अधिकारी राजकुमार बागरी, दैनिक भास्कर से अरविंद अग्रवाल, दैनिक जनहित दर्शन के पत्रकार प्रकाश भट्ट, आईएनडी 24 न्यूज चैनल के पत्रकार शशिकांत द्विवेदी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर अतिथियों ने संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि समर्पणता के साथ कार्य कैसे किया जाता है वो इन ब्रह्मकुमारी बहनों से सीखना चाहिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। अब खबरें एक नजर में। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के वैकुंठपुर उप सेवा केंद्र के गृह प्रवेश का उद्घाटन समारोह। समारोह का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, माउंट आबू पांडव भवन से बीके मुन्ना और सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या के कर कमलों द्वारा एवं दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम में अंबिकापुर सेवा केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रों से जुड़े हुए सैकड़ों भाई बहने रहे उपस्थित। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। एमपी जबलपुर के भवरताल सेवा केंद्र पर जीवन की सफलता में गीता की उपयोगिता विषय पर संगोष्ठी। डॉक्टर पुष्पा पांडे और मुख्य अतिथि स्वामी पीठाधीश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज रहे उपस्थित। अतिथियों ने अपने विचारों में गीता ज्ञान का महत्व बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता को जीवन में बताया उपयोगी। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा किसानों के लिए कार्यक्रम एंजल वर्ल्ड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक भगवती प्रसाद और एडी बेसिक राजेश हुए शामिल। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश ने दी शाश्वत योगिक खेती की जानकारी। बीके उमा, बीके नीलम ने 100 से अधिक किसानों को किया सम्मानित। एमपी बीना के मंडी बामोरा सेवा केंद्र द्वारा किसानों के लिए कार्यक्रम नशा मुक्त और जैविक खेती कर रहे किसानों का सम्मान समारोह। कोलकाता में बारानगर सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन। समय चक्र के खगोलीय रहस्य को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया एक मॉडल। माउंट आबू से आई बीके मुखर्जी ने मॉडल द्वारा 3 सत्रों में दी समय चक्र की विस्तृत जानकारी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने अध्यात्म और विज्ञान के तालमेल पर विस्तार से समझाया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।